सोमिया पोखरेल बचपन से हीरोइन बनना एक सपना था। मौका नहीं मिलने की वजह से सोमिया पोखरेल हीरोइन नहीं बन पाया, मगर छोटा मोटा वीडियो डाल के टिकटॉक पर सोमिया पोखरेल फेमस तो हो चुका मगर हीरोइन नहीं बन पाया। इसी में सोमिया पोखरेल के एक मौका मिल गया, मौलापुर में खेसारी लाल आया तो यहाँ पर खेसारी लाल से मिलने की मौका मिल गया और यहाँ पर खेसारी लाल कसम खाया कि सोमिया पोखरेल के पक्का हीरोइन बनाएगी 6 महीना के भीतर में। सोमिया पोखरेल तो नेपाल में ही रहना चाहता है, यहाँ पर ही हीरोइन बनना चाहता है, मगर नेपाल में कोई सुविधा नहीं होने की वजह से खेसारी लाल के साथ हीरोइन बनने जा रही है। नेपाल सरकार अगर ध्यान देगा तो मैथिली फिल्म इंडस्ट्री बन सकता है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए सोमिया पोखरेल जैसे न जाने कितना मॉडल सब है, कितना लोग हीरोइन बनना चाहता है मगर हीरोइन नहीं बन पाता है। खेसारी लाल से जितना हो सकता है या भोजपुरी इंडस्ट्री से ही जितना हो सकता है उतना लोगों के एक्टर या हीरोइन बनाएगा, जितना संभव है उतना को हीरोइन बनाएगा, मगर सभी के हीरो या हीरोइन बनाना ये भोजपुरी इंडस्ट्री में संभव नहीं है। ये बात नेपाल सरकार को सोचना चाहिए और मैथिली फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहिए।